सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, बोर्ड कैंडिडेट्स द मोस्ट डिमांडेबल वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज तक की आप सबके लिए। एंड बिगेस्ट अपडेट कहूंगा, किनके एग्जाम सेंटर्स एकदम से चेंज हो जा रहे हैं, किनके रिजल्ट्स में जो है एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं क्लास 10 12, पूरा कंप्लीट डिटेल्स लेकर आया हूं। एंड अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो वो आपकी गलती होगी, आपकी फॉल्ट होगी, क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों आप सबको पता है कि ये कॉन्सेप्ट जो टर्म 1 टर्म 2 है इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडिशनल सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो ये एडिशनल सब्जेक्ट उसे रिप्लेस करेगा, या एडिशनल सब्जेक्ट आपका जो है परसेंटेज बढ़ाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हो गया, फिर आपका लैंग्वेज के बाद कोई भी, क्लास 10th स्टूडेंट्स के पास बहुत ही कम होता है एडिशनल सब्जेक्ट, लेकिन क्लास 12th के पास होता है। तो वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि टर्म 1 के रिजल्ट के इंतजार करते करते अब पूरी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। एंड अभी भी मीडिया हाउसेस का ऐसा दावा है कि लास्ट वीक में आ जाएगा, बट कोई उम्मीद और आशा नहीं दिख रही है। खैर इस बात को साइड में रखते हैं, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कंफर्मेशन लेकर आया हूं, विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा, विद प्रूफ मैं बताऊंगा। पर उससे पहले मेरे प्यार दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT JEE NEET का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर हमारा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको मिल रहा है 20% ऑफ, याद रखें ये चीज, 20% ऑफ। और अगर आप जैसा कि आज 19 तारीख है, 3 मंथ या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लेते हैं 12 बजे तक, तो आपको 40% का ऑफ और 36% का ऑफ मिलेगा। ये तो सब्सक्रिप्शन की बात गई। साथ ही साथ अब मैं आप सबको बता दूं कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 25 सुबह के 11 बजे आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन से 60 मिनट का एग्जाम है IIT JEE NEET स्टूडेंट्स के लिए, मेगा कॉम्बो एग्जाम। एंड इसी के साथ साथ अन अकेडमी ने लॉन्च किया है 11-12 क्लास के लिए मिशन बैच, जिसपे 2.0 JEE क्रैश कोर्स आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सच में किसी भी चीजों का तैयारी कर रहे हैं एंड किसी इंस्टीट्यूशन में पैसे खर्च कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप अन अकेडमी की हाथ पकड़े और आगे बढ़े, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जाम को क्रैक करने में मदद किया जाएगा। तो आप ही या आपका कोई अपना है, उन्हें हमारी वीडियो को भेजें, ताकि उससे क्या होगा, रेफरल कोड यूज करके चाहे कोई भी 9 से लेकर 6 टू क्लास 12 का कोई भी आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको इस वक्त 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे कोड यूज करके लगभग 40% तक आप ग्रैब कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तमिलनाडु का वो केस आपको याद होगा, जब टर्म 1 के एग्जाम में हर एक सेंटर्स पे चीटिंग करवाई गई थी। तो तमिलनाडु में केस किया गया था सीबीएसई के ऊपर, सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम में चीटिंग करवाए हैं, तो टर्म 1 एग्जाम को आप रद्द कर दीजिए, यह अनसक्सेसफुल एग्जाम है विद वैल्यू 0। तो अब यहाँ पे सीबीएसई ने अपना स्टैंड रखा कि नहीं, ये गलती जो हमसे हुई है हम टर्म 2 में नहीं करेंगे। अब आपके मन में कई सारे सवाल हैं कि भैया जिन सेंटर में टर्म 1 में मैंने एग्जाम दिया था, क्या मैं सेम सेंटर में जाके एग्जाम दूंगा, हमारे सेंटर पे तो कोई चीटिंग नहीं हुआ था। तो दूसरी ओर आपके स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीबीएसई ने वेरिफिकेशन किए, 50,000 से ज्यादा सेंटर्स, उन्होंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पकड़ा टर्म 1 के चीटिंग के केसेस में। अब जो बात आई है यहाँ पर, अगर आपके सेंटर्स वेरिफिकेशन हो चुकी है, मतलब जहां पर आप एग्जाम दिए थे पहली बार, जब आप वहां पे एग्जाम दिए थे, ये सीबीएसई के ऊपर है, अगर वहां पे कोई भी चीटिंग नहीं हुआ था, एकदम साफ एंड सुथरा क्लियर आपका एग्जाम हुआ था, तो आपका सेंटर्स वहां पे पढ़ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम अगर कहें 100 में से 90%, तो सेल्फ सेंटर नहीं होगा, होम सेंटर भी नहीं होगा जिस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया। बहुत ही रेयर चांस है कि आप दोबारा वहां पे एग्जाम दें, एक फ्रेश एडमिट कार्ड आपको मिलने जा रहा है, जो कि सेंटर भी चेंज रहेगा। हाई चांसेस हैं कि सभी स्टूडेंट्स के सेंटर एकदम नए दिए जाएंगे विद न्यू एडमिट कार्ड। क्लियर है, कंफर्म है आप लोगों के लिए, सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया है कि इस वक्त जो हमारा टर्म 1 में गलती था उसे हम दोहराएंगे नहीं, चाहे कोई भी सेंटर्स कितनी भी अच्छी हो, हम चेंज करना चाहते हैं, किसी भी हाल में चाहते हैं। बट एक डर बच्चों के मन में है कि बहुत गर्मी में एग्जाम होने जा रहा है, और अगर ये एग्जाम बहुत दूर हुआ, मेरी बात अगर सही लगे तो लाइक करिएगा, बहुत दूर हुआ, इस गर्मी में जा पाना तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, दूर ट्रैवल करके जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी, एडिशनल सब्जेक्ट ऐड होंगे क्या भैया? तो आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि क्लास 12 में बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी ने ले रखा है कंप्यूटर साइंस, किसी ने ले रखा है संस्कृत, तो ये जो है एनईपी में नहीं हटा है, आप इसकी भी एग्जाम देंगे। और अगर आप मान लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स है उसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में नहीं भी फेल होते हैं और एडिशनल एग्जाम दिए हैं, उसमें अच्छा स्कोर किए हैं, तो वो कैलकुलेट होगा बेस्ट ऑफ 5, और इसको लेकर आपके रिजल्ट के परसेंट को बढ़ा दिया जाएगा। क्लास 10 में भी बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है, क्लास 12 में भी बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है, लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो आपके रिजल्ट में ऐड होता है, कब? जब आप फेल हो रहे होते हैं, और आपके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और मैंने रिजल्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 क्लैरिफिकेशन पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया है कि किस तरीके आपका रिजल्ट बनेगा, कैसे पास होंगे, कैसे फेल होंगे, तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, आप अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।